आज आपके साथ पूरी तीन अलग अलग फ्लेवर्स की छाछ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फुदीना छाछ, क्लासिक मसाला छाछ और तंदूरी छाछ बनाएंगे। ये तीनों छाछ का जो फ्लेवर है एकदम अलग आता है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। और छाछ को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट छाछ मसाला, आज हम वो भी बनाएंगे। एक बार आपने मसाला बनाकर रख दिया, फिर आप 6 से 8 महीने तक उसे स्टोर कर सकते हैं। और फिर जब आपको छाछ बनाने का मन करे, बस थोड़ा सा मसाला डाला और छाछ बना ली, आपकी बहुत ही डिलीशियस छाछ बनकर तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी फटाफट स्टार्ट करते हैं। छाछ मसाला बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हमें एक पैन चढ़ाना होगा, या आप कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं। और गैस का फ्लेम अभी आप लो कर दें, और लो फ्लेम पर ही हमें कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हमें लेना है 4 टेबलस्पून जीरा। जीरा सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है छाछ मसाला बनाने के लिए। जीरे के बिना तो छाछ बन ही नहीं सकती है, और जो जीरे में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये खाना भी बहुत अच्छा है। और दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा जाएगा सूखा धनिया, मतलब खड़ा धनिया। तो ये 2 टेबलस्पून में खड़ा धनिया ले रही हूँ। सिर्फ हमें 4 टेबलस्पून जीरा लेना है, और अब हम बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो सारे 2 टेबलस्पून हैं। तो 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 10 लौंग, एकदम छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 15 ब्लैक पेपर और एक मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता। हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करना होगा 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। रोस्ट करने से हमारे मसालों में खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। और ये छाछ मसाले में हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ही देंगे। करी लीव्स खाने से भी आपका अच्छा हेयर ग्रोथ होता है, हेयर फॉल आपका सबसाइड होगा, और बाकी भी जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ही हैं। और एक बार आपने ये छाछ मसाला बना लिया, तो आप इसे पूरे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और जब आप छाछ बनाएं, बस 1 टेबलस्पून आप ये छाछ मसाला डालेंगे ना, तो आपकी छाछ बहुत बहुत ज्यादा डिलीशियस बनेगी। अरे इंग्रेडिएंट्स को 2 से 3 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें से पॉप होने की आवाज आएगी, और इसमें से आपको खुशबू आने लगेगी। तो बस अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले हमें ठंडा करना होगा, और फिर ही हमें इन्हें ग्राइंड करना है। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अब ठंडे हो चुके हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप कड़ी पत्ता को टच करेंगे तो हमारे कड़ी पत्ता इस तरीके से क्रिस्प होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके कड़ी पत्ता में नमी होगी, मतलब वो अगर गीले होंगे, मॉइस्चर होगा, तो हमारा ये मसाला खराब हो सकता है। इसीलिए आप ये कड़ी पत्ता को बहुत ही अच्छे से रोस्ट करें ताकि ये क्रिस्प हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार लेना होगा, और ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। अब जार में हमें डालना है 1 टेबलस्पून अमचूर। अमचूर से हमारे मसाले में बहुत ही बढ़िया चटपटा फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून व्हाइट सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट। अब हमें जार का लिड लगाकर इसका बहुत ही फाइन सा पाउडर तैयार करना होगा। दोस्तों ये देखिए, हमारा बहुत ही जबरदस्त सा छाछ मसाला तैयार है, और ग्राइंड करने के बाद तो इसमें और भी ज्यादा खुशबू आती है। तो इसे हम एक कंटेनर में डालकर रखेंगे, और इसे आप पूरी 6 से 8 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इवन आपको इस मसाले को फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है। और ये मसाला सिर्फ टेस्ट ही नहीं, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा। हमारा छाछ मसाला तो रेडी हो चुका है, तो अभी हम इसे साइड करते हैं, और चलिए अभी छाछ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ फुदीना छाछ। तो जिस मिक्सर ग्राइंडिंग जार में मैंने मसाला ग्राइंड किया, बस वही ले रही हूँ। मसाला थोड़ा सा लगा हुआ है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे भी हमें इसमें मसाला डालना ही है। तो फुदीना छाछ बना रहे हैं, तो हमें फुदीना लेना होगा। तो 1 कटोरी भर के मैं फुदीना ले रही हूँ। मैं सिर्फ इसमें से 2 ग्लास ही छाछ बनाने वाली हूँ, तो 1 छोटी कटोरी भर के फुदीना और 1 छोटी कटोरी भर के है धनिया। 1 हरी मिर्च, सिर्फ 1 ही डालें, हम ज्यादा हरी मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने उसमें ब्लैक पेपर भी डाला है। छाछ ज्यादा स्पाइसी होती है तो मजा नहीं आएगा। और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ छाछ मसाला। 1/2 टेबलस्पून 1 ग्लास के लिए परफेक्ट होता है छाछ मसाला। जार में हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, ताकि हमें इसकी चटनी बनानी है तो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड होगी अगर पानी डालेंगे तो।
हमें इसकी एक फाइन सी चटनी तैयार करनी है। करने के बाद आपकी चटनी कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। तो अब हमें छाछ बनानी है, तो मैं एक कटोरी भर के दही डाल रही हूँ। दही डालने के बाद अब हमें इसे फिर से ग्राइंड करना होगा, सिर्फ हल्का सा ही, कुछ सेकंड्स के लिए। एक बार आपने ग्राइंड कर ली तो अब हमें इसमें पानी डालना होगा। दही आपने जितनी डाली उससे एग्जैक्ट 4 टाइम्स हमें पानी डालना है। ये रेशो एकदम परफेक्ट होता है छाछ बनाने के लिए, इससे आपकी छाछ एकदम टेस्टी बनेगी। तो एक कटोरी दही थी तो हमें 4 कटोरी भर के पानी डालना होगा, और ये ठंडा ठंडा ही पानी हमें डालना है। छाछ को आप एकदम ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो मजा आएगा पीने में। पानी डालने के बाद आप छाछ को एक बार टेस्ट कर लें। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें और नमक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मसाले में भी नमक था तो मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है। तो हल्का सा मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, इसे एक स्टर दे देंगे। चलिए छाछ को सर्व कर लेते हैं। तो ग्लास में सबसे पहले आप डालें कुछ आइस के क्यूब्स, और उसके ऊपर जाएगी बहुत ही फ्लेवरफुल हमारी पुदीना छाछ। आप छाछ को हमेशा एकदम ठंडा ठंडा ही सर्व करें। इसे आप कुछ मिंट लीव्स से सजा दें। नेक्स्ट मैं आपको 2 और टाइप की छाछ बता रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम दही को चर्न कर लेते हैं। तो मैं मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ही इसे चर्न कर रही हूँ। आप चाहें तो दही को बीटर में भी फेर सकते हैं। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, और इसका लिड लगाकर हमें इसे ग्राइंड करना है। तो दोस्तों दही को तो हमने चर्न कर लिया है, तो इससे 2 टाइप की छाछ बनने वाली है। तो एक बोल में मैं आधी दही निकाल देती हूँ। 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा छाछ मसाला, और 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हम ये तंदूरी छाछ बना रहे हैं इसीलिए आपको लाल मिर्च पाउडर डालना ही होगा। दही के साथ एक बार मसाले हम चला लेंगे इस तरीके से। अब आपको इसमें पानी डालना है, वही 1:4 का ही रेशियो में पानी डालना है। इसमें तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए 1 कटोरी में मैंने जलता हुआ कोयला ले लिया है, और आप इस तरीके से छाछ के ऊपर प्लेस कर दें और कटोरी आपकी बहुत ही अच्छे से फ्लोट करेगी। इसके ऊपर डालेंगे हम 1 टेबलस्पून घी का, और जैसे ही आप घी डालेंगे ना बहुत सारी स्मोक आएगी कोयले में से, और आप इसे इस तरीके से ढक दें। हमारी छाछ में एकदम स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, हमारी छाछ बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर की बन जाएगी। 2 से 3 मिनट तक आपको इसे इसी तरीके से ढककर रखना होगा। बस 2 से 3 मिनट के बाद आप लिड हटा लें और हमारी बेहतरीन स्मोकी तंदूरी फ्लेवर छाछ बनकर तैयार है। ये तंदूरी छाछ आपको राजस्थान में काफी मिलेगी। तो ये लीजिए, मैंने इसे सर्व भी कर लिया। ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए आप स्प्रिंकल करें हल्की सी लाल मिर्च। और दोस्तों ये तंदूरी छाछ का जो टेस्ट होता है ना, वो बाकी छाछ से एकदम अलग होता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। हमारी जो नेक्स्ट छाछ है वो है क्लासिक मसाला छाछ। तो दही को तो हमने ऑलरेडी चर्न करके रखा हुआ है। इसमें जाएगा 1/4 टेबलस्पून छाछ मसाला। इसमें आप चाट मसाला ऐड करें। अब आप बोलेंगे हमने छाछ मसाला तो बनाया ही है, चाट मसाले की क्या जरूरत है। जो चाट मसाला होता है वो और ज्यादा चटपटा होता है, इसमें अनारदाना भी होता है चाट मसाले में। तो आप छाछ में हल्का सा चाट मसाला ऐड जरूर कीजिए। अब हमें इसमें पानी डालना है, वही 1:4 का रेशियो। बस एक क्विक मिक्स देकर छाछ को सर्व कर लेंगे। ऊपर से स्प्रिंकल करें हल्का सा छाछ मसाला। तो दोस्तों ये हमारी बहुत ही डिलीशियस अलग अलग फ्लेवर वाली छाछ तैयार हो चुकी है। और आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और यार इतनी अच्छी रेसिपी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज और DIYs आप तक पहुंचते रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।